नमस्कार, प्रोग्राम तारे आखते दे वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो जिदा कि 31 मई में सवेर के 6:50 से बृहस्पति देव ने जड़ा है मिथुन राशि के प्रवेश कर जाना है। सो ऐसी हालत के वक् वक् राशियों के उत्ते की प्रभाव पेगा कुछ असी कल दस्या सीगा कुछ अज दसन जा रहे हैं। सो मकर राशि वालों के लिए ऐसी हालत के अपनी तकलीफ बढ़ सकती है, धन ते मान दे विच कमी आ सकती है, मुकदमियां दे उत्ते ज़्यादा खर्च करना पै सकता है, हर काम दे प्रति तुहानू सावधान रहना पएगा। कुंभ राशि वाले सिक्ख्या थोड़ी बेहतर रह सकती है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लाभ हो सकता है, सुभाग्य उदय हो सकता है। मीन राशि वाले घर परिवार तो दूर जाना पै सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों के विच तुसी पीड़ित रह सकते हो, सेहत का थानू खास ख्याल रखना पवेगा। सो विशेष ये की हो सकता है कि जिहड़ी भी असी गिनती अज ते कल थानू दसी है ये जन्म कुंडली दे विच वख-वख राशियां दे लगन दे विच होण ते उसे ही राशि या लगन यानी कि जन्मकालीन चंद्र राशि के मुताबिक ही गोचर का विचार करके असीं तुहानूं दस्सिया है। प्यारे दर्शको, गुरु ग्रह की दोष नूं दूर करन दे लई, गुरु की शांति दे लई तुसीं कुछ उपाय भी कर सकते हो। जदों गोचर दे विच परिवर्तन आता है तां जिदां कि पितर शांति का पूजन तुसीं इस टाइम से जरूर करो। घर के उत्तर पूर्व दे विच पीले फुल्लां वाले छोटे छोटे पौधे लगाओ। किसी भी योग्य विद्वान नूं वीरवार नूं सोने का दान दो। केले के पेड़ के उत्ते हल्दी मिलिया जल चढ़ाओ, तो नाल नाल पिपल की पूजा करो। एक योग्या विद्वान गुरु जड़ा है, गुरु किसी को भी तुसी तार सकते हो, उस तो हमेशा लाइफ के गाइडेंस लो, उसका उचित आदर सत्कार करो जड़ा वो थानू लाइफ के दस सके कि थानू की सही है की गलत है। सो इदां ही रुद्राक्ष भी तुसी चंगे फल उहदे तो लै सकते हो। फिर गुरु ग्रह का औषध स्नान कर सकते हो, जिदे लई मलट्ठी, पीली सरों, मालती के फुल, फिर दमयंती दे पत्ते, हल्दी, केसर दी जड़ियां अपने पत्तियां एक चुटकी लैके पानी दे विच मिला के रोज़ स्नान करो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बहरहाल ये सारी जानकारी तुसी साढ़े अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच भी हासिल कर सकते हो, जिन्हों तुसी साढ़े तो लैके पढ़ सकते हो, तो साल लई मंगवा भी सकते हो। बहुत सारी साड़ी बीमारी जड़ी है साड़ी बिल्कुल नहीं ठीक हो रही होंगी, असी बहुत सारिया दवाइयां लैंदे आ फिर भी ठीक नहीं होंगे। ऐसी हालत में सानू टेवा जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि सानू पता लग जाता है कि केड़े ग्रह के कारण जड़ा है केड़ी बीमारी आ रही है, ते छोटिया छोटिया जड़िया बूटिया दे नाल भी तुसी बहुत ज्यादा लाभ लै सकते हो। ते जे तुसी पुछना चाहो तो तुसी टाइम लैके नाम नोट करा के साडे कोल आ के अपने उन्हां माड़े ग्रहां दे बारे पुछ सकते हो जिहड़े तुहानूं रोग दे रहे हैं, ते उहदे बारे सुझाव लै सकते हो कि किद्दां तुहाडे रोग उन्हां ग्रहां दे दान पुन खुद करके जल्दी ठीक। हुण असीं अज दे नुक्ते दी गल करदे हां। जदों भी यूरिन दे विच स्टोन दी प्रॉब्लम होवे, यूरिनरी ट्रैक दे विच स्टोन होवे, तां तुलसी दे बीजां दा तुसीं जिहड़ा हिम जीरा दानेदार शक्कर ते दुध दे नाल सेवन करदे हो तां यूरिन दी पत्थरी गल के बाहर आ जांदी है, बिना ऑपरेशन दे तुसीं थोड़ा जिहा कष्ट सह के ठीक हो जांदे हो। 30 जून नूं असीं लुधियाने दे विच इक ज्योतिष सम्मेलन करवा रहे, जिहड़े भी विद्वान साडे दे विच शामिल होना चाहते हैं वो सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम गल करते हैं अज दे वास्तु दी। घर के उत्तर ते पूर्व दिशा नू हमेशा ही खाली रखो, जिदे नाल धन लक्ष्मी जी का आगमन होगा, सेहत ठीक रहेगी। ये नियम घर के आम तौर पर सारी ही जगह लागू करिए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। घर के मेहमानों के लिए कभी भी कमरा बनवाना हो तो वायु कोण के बनाओ। वायु कोण जिहड़ा तुहाडा नॉर्थ ते वैसट डायरैक्शन चलता है, मेहमान उत्थे ही रहने का ज़्यादा शुभ है, नहीं तो किसी होर डायरैक्शन से टिकाओगे तो ज़्यादा देर भी रह सकते हैं, इतने जल्दी जल्दी उन्होंने जान के चांसिस बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर वास्तु दोष होता है, टॉयलेट गलत जगह से बनी है, मंदिर गलत जगह से बने, रसोई गलत जगह से बनी है, इस हिसाब के घर के टनान जी कि रखनी है उत्थे नहीं है, टैंकी कि है उत्थे नहीं है, टॉयलेट पिट जिथे नहीं होना चाहिए उत्थे है, यही कारण है कि लोग बहुत बीमार रहते हैं। जे थोड़े घर का वास्तु भी खराब है तो तुसी या साडा पर्सनल विजिट करवा सकते हो या साडे को नक्शा लिया के उनु चेक करवा के बिना तोड़े भन्ने अपने घर का वास्तु निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बना सकते हो। पर प्यारे दर्शकों, आम तो पहला टाइम जरूर ले लियो।
हम रुद्राक्ष के बारे थोड़ी जानकारी दे दिए। तीन मुखी रुद्राक्ष जिहड़ा साक्षात अग्नि जी का स्वरूप मनिया जाता है, जिन्हों धारण करने नाल अग्नि की तृप्ति होंगी है, स्त्री हत्या के पाप तो मुक्ति मिलती है, विद्या प्राप्ति होंगी है, शत्रु का नाश होंगे, पेट दी बीमारियां ते अशुभ घटनावां तो रक्षा होंगी है। तीन मुखी रुद्राक्ष नूं सोमवार के दिन सवेरे सवेरे स्नान करन तो बाद ओम रा हरै हरी हरू ओम मंत्र का जाप करके ही धारण करना चाहिए। सो रुद्राक्ष वास्तु ज्योतिष के टॉपिक्स रतन सारा कुछ ही साढ़े अखबार के मिल जाएगा, जिदे नाल तुसी अपनियां बहुत वड्डियां वड्डियां समस्यावां घर बैठे बिठाए ठीक कर सकते हो। सो साडा अखबार जरूर पढ़िया करो। नाल ही नाल दस दिए ज्योतिष एक कैलकुलेटेड साइंस है, इहदे नाम ते वहमां परमां च बिल्कुल ना पाओ, किसी के मगर भी अखां मीच के विश्वास ना करो ताकि कभी लुट्टे ना जाओ ते फिर बाद दे विच तुहानूं सिवाए पीड़ा तो कुछ भी ना मिल सके। रुद्राक्ष भगवान शिव जी दी शक्ति दा आशीर्वाद है। रुद्राक्ष पाउण दे नाल जिथे तुहाडा बीपी ठीक हुंदा है उत्थे तुहानूं कंसंट्रेशन मिलदी है, शरीर की सारी फालतू गर्मी जिहड़ी रुद्राक्ष बाहर कर दिंदा है। तुहानूं हर इंसान नूं एक रुद्राक्ष जरूर पाउणा चाहीदा अपने लगन के मुताबिक या अपनी राशि के मुताबिक। रुद्राक्ष दे नाल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलती है। जिन्हें भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे ने उन्हां नूं जरूर रुद्राक्ष पाउणा चाहीदा, जिहदे नाल याद रखण दे विच बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन रुद्राक्ष नूं पाउण तों पहला एक चीज का जरूर ध्यान दो कि जो तुसी कोई भी नशा करते हो या कोई भी तुसी नॉन वेज खाने हो तो रुद्राक्ष तुसी बिल्कुल नहीं पा सकते, इन्हां चीजां का त्याग करना पड़ेगा, ताही तुहानूं मिल पाएगा भगवान भोले शंकर जी का आशीर्वाद रुद्राक्ष के रूप दे विच। अपना टेवा दिखा के तुसी सानू भी पुछ सकते हो कि तुहाडे केड़ा रुद्राक्ष पवेगा। असी साढ़े एक हफ्ते के सारे प्रोग्राम्स दे विच जिन्ने भी टोटके नुक्ते वास्तु रुद्राक्ष रत्ना बारे जानकारी ते ज्योतिष ते जिन्ने भी असी टॉपिक्स दसते हैं सारे दे बारे जानकारी तुसी साडे हफ्तावार अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच हासिल कर सकते हो। जे तुसी इहनूं घर बैठे बिठाए मंगवाना चाहते हो तो सिर्फ 130 रुपए साल दे भेज के तुसी 52 इशूज तुहाडे कोल घरे डाक राही पहुंच जाणगे, जिहदे नाल जिथे तुसी बहुत ज्यादा ज्योतिष की जानकारी भी हासिल कर सकते हो उथे ओहदे नाल बहुत ज्यादा लाभ भी उठा सकते हो। सो देर ना करो दर्शको, मैं रोज सवेरे सुखविंदर जी का प्रोग्राम देखना और उन्होंने उपाय फॉलो कर रहा ओहदे नाल मैनूं बहुत बेनीफिट होया। मैं सुखविंदर जी का प्रोग्राम रोज देखना है ते उन्होंने मतलब स्टोन वगैरह भी उन्होंने मैनूं पोए ओहदे नाल मैनूं बहुत फायदा हो रहा है। मैं मेरे घर काफी समस्यावां सी और मैनूं बिजनेस च भी बहुत लॉस हो रहा सी, इस करके मैं सुखविंदर जी ने मिलिया और उन्होंने मैनूं नक धारना करने वास्ते कहा और मैं धारण किया और मैं काफी बेटर महसूस कर रहा। जी मैं सुखविंदर जी नूं बहुत देर तो जानना, वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। मैं उन्होंने दसे रास्ते उत्तर चल के नक पाए जो दसे उन्होंने मेरा बहुत सारे काम ठीक हो गए ने, मैं उन्होंने तो बहुत लाभ मिले। मैं चाहता हाँ कि तुम्हें सारे उन्होंने नाल मिल के उन्होंने तो आशीर्वाद प्राप्त करके नक पाने चाहिए हैं ताकि तुम सारा अपने जो प्रॉब्लम आदि हैं जीवन से वो ठीक कर सको। सो तुसी जिहड़ा विशेष मुहूर्त दे विच या दिवाली वाले दिन जदों पंजे दिन दिवाली दे हुंदे आ सो उदों तुसी मां लक्ष्मी जी दा ध्यान करके केसर दा तिलक लगाओ, जटा युक्त नारियल तुसी उत्थे पूजा दे स्थान ते रखो ते बाद दे विच वगदे हुए पानी दे विच तन तेरस दे दिन तुसी प्रवाह करो तां लक्ष्मी जी दा विशेष तौर ते आशीर्वाद मिलेगा तुहाडे कोल। तन धान्या सुख समृद्धि खुशी खुशहाली सब कुछ मां लक्ष्मी जी देणगे। जे तुहानूं तुहाडी जन्म तरीक समां स्थान कुछ भी नहीं पता बिलकुल घबराओ ना, ज्योतिष दे विच छोटे छोटे टोटके करके भी तुसी अपनी समस्या दा हल हर हाल च कर सकते हो। लेकिन बहुत जरूरी है कि उदों पहला टाइम ले लो, इसलिए फोन चक्को साडा नंबर कमाओ ते उस तो बाद टाइम लेके आओ, भगवान थोड़ी समस्या जरूर हल करेंगे। हम गल करते हैं आज स्टोन्स दे ही टॉपिक दे बारे। हिमेटाइट एक स्टोन होंदा है जिन्हों असी लुकिंग ग्लास के तौर पर जिदा यूज करते हैं, कटन ते लाल ते ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पॉलिश करन ते इहदे विच होर ज़्यादा चमक आ जाती है, ये जेवरातां अंगूठियां ते मालास दे विच जड़िया जाता है। फिर है पाइराइट, पाइराइट जिहड़ा है हज़ारां सालां तो गहणियां दे विच इस्तेमाल लिया जा रहा, जिदे यह परिणाम है कि पुराने यूनानी ते रोमन सभ्यतावां दे विच इहदा सबूत मिलता है। सो ये पीले रंग का जिहड़ा है स्थाई
तत्विक चमक वर्गा जिदा मैटेलिक चमक होंदी है ये देखने में सोने वर्गा लगता है इसलिए इन्हों असी जरा फूल्स गॉड भी कहने हैं। सो पायराइट बहुत ज़्यादा सख्त होने के बावजूद नाजुक होंदा है ये लगभग सारे ही देशों के विच मिलता है इदियां लेकिन चंगियां किस्मां जड़ियां स्पेन मैक्सीको पेरू इटली ते फ्रांस के विच मिलदी हैं। फिर आर्थोक्लेस सो शैंपेन के रंग वर्गा ये रतन जड़ा है मैलागासी गणराज्य ते म्यांमार दे विच मिलता है इहदा रंग पीला होने के कारण यह पीले रंग के होर रत्नों का भरम पैदा करता है। फिर है लैब्रेडोराइट ये जड़ा है इहनूं असीं लैब्रेडोर स्टोन भी कहने हैं जिहदा मुख स्रोत जड़ा है कैनेडा हैगा। सो ये जड़ा है वड्डे वड्डे पत्थरां दे रूप दे विच मिलता है अपारदर्शी हुंदा है इहदे विच एक विशेष तरह की चमक हुंदी है। सो इहदी विशेषता के कारण इहनूं गहनियां दे विच प्रयोग किया जाता है इहदियां कुछ किस्मां रंगहीन भी मिलती हैं। फिर है सूर्यकांत लाल रंग का शीशे वर्गा स्टोन हुंदा जिहदे विच मणियां दे प्रकाश जड़े वह निकलते हैं चमकीले लाल रंग की चमक दिखाई देती है। सो इस रतन के भंडार अमरीका भारत नॉर्वे कैनेडा ते रूस के मिलते हैं। फिर है रोडोक्रोसाइट गुलाबी लाल रंग का होने के कारण इन्हों असी रोडोक्रोसाइट कहने हैं इन जरा आम तौर पर व्डे आकार के प्रयुक्त किया जाता है। इहदियां प्रमुख खाना अर्जेंटीना दे विच अमेरिका दे विच भी इहदे व्यापार का मुख्य केंद्र मनिया जाता है। फिरोजा की गल करते हैं हजारा साल पहले मिस्र वासियों के द्वारा जड़ा है ये गहनों के इस्तेमाल किया जाता है ये बारे होर जानकारी कल देवे। बहरहाल असी दस दिए कि साढ़े रत्ना बारे भी सारी विशेष जानकारी तुम साढ़े अखबार वॉइस ऑफ एशियंस के पढ़ सकते हैं जी। रत्ना दे विच बहुत ज्यादा शक्ति होंगी है ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਤਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਪਹਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਰਤਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਤਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਿਸ਼ਠ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਦਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵਰਿਸ਼ਠਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਸਟਵੇ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:55 ਸ਼ਾਮੀ 8:15 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂ ਕੇ ਜਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਅਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਮਕਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਮ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ